हैदराबाद के सांसद असदीन ओवैसी ने पीएम मोदी के बाद अब कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं अयोध्या दौरे को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और राजीव गांधी पर सवाल खड़े कर दिए हैं पीएम मोदी के बाद नरसिम्हा राव और राजीव गांधी पर क्यों सवाल खड़े किए असदुद्दीन ओवैसी ने आइए वो आपको बताते हैं पांच अगस्त को यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है जिसमें पीएम मोदी पहुंचेंगे साथ ही 200 और अतिथियों को वहाँ बुलाया गया है इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे और इस शिलस में वो भी हिस्सा लेंगे साथ ही ये सवाल खड़ा होने लगा है कि कांग्रेस के नेताओं को वहां क्यों नहीं बुलाया जा रहा है इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया इस ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो आपको बता देते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि हमें उन्हें श्रेय दे या जाना चाहिए जो इसके असली हकदार हैं आखिरकार राजीव गांधी ही तो बाबरी मस्जिद के ताले फिर से खुलवाए थे और बतौर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी देख रेख में इसे गिरवाया था मस्जिद ध्वस्त करने के आंदोलन में कांग्रेस भीतर भीतर संघ परिवार से मिली हुई थी तो असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के नेता राजीव गांधी पर सवाल खड़े किए और कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दौर में बाबरी मस्जिद के ताले फिर से खुलवाए थे साथ ही प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार पर भी सवाल खड़े किए उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे उस दौर में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और भीतर तौर पर कांग्रेस और आरएसएस मिली हुई थी जिसकी मिली भगत के बाद बाबरी मस्जिद को शहादत की गई और उसको ध्वस्त किया गया ओवैसी का कहना इससे पहले आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर सवाल खड़े किए थे पीएम मोदी पर सवाल करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि पीएम मोदी अयोध्या किस रूप में जा रहे हैं क्या वो प्रधानमंत्री के तौर पर जाएंगे या एक आम नागरिक के तौर पर क्योंकि भारत एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ सेकुलर मुल्क के लिहाज से प्रधानमंत्री भी सेकुलर और सेकुलर मुल्क में प्रधानमंत्री जब अयोध्या जाएंगे तो किस रूप में वो वहाँ पहुँचेंगे ये सवाल असुद्दीन ओवैसी ने खड़ा किया था जिसके बाद विवाद बढ़ गया और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि असुद्दीन ओवैसी जब टोपी पहनकर संसद में जा सकते हैं तो अयोध्या क्यों नहीं जा सकते प्रधानमंत्री मोदी ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है और असुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल किया है इसके अलावा बहुत सारे नेताओं ने भी पी मोदी के अयोध्या दौरे पर सवाल खड़े किए हैं आप इस खबर पर और आप जो है अयोध्या दौरे पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताएं साथ ही जो असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं इस पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं साथ ही ये जानकारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें शुक्रिया